हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप ये वीडियो अजय टेलीकॉम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज मेरे पास एक जियो का फोन है जिसका मॉडल है F41T। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए F41T। दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये हैंग ऑन लोगो है, ये जियो लिख के रुक जाता है या फिर ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद पूरा ऑन नहीं होता है। जियो लिख के फिर ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, इसमें प्रॉब्लम ये है। तो दोस्तों, जिन भाइयों को नहीं पता होता है वो ये उनको ये लगता है कि ये फ्लैशिंग का इशू है या फिर इसकी आईसी खराब है। तो दोस्तों, ये आईसी से नहीं होता है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर की इशू से होता है और इसको हम बिना फ्लैश किए भी ठीक कर सकते हैं। और कई कई मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लैशिंग करनी पड़ती है, बट इसमें जो है हमको फ्लैशिंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये आता है, जियो लिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, उसके बाद रुक जाएगा, फिर ये ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, इसको एक बार फॉर्मेट करना होता है। अगर फॉर्मेट से नहीं सही हो रहा है तभी हम इसको फ्लैश करेंगे। और ये जो 41T है, इसका जल्दी हमको फाइल भी नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो हमको परचेज करना पड़ता है। तो उससे अच्छा मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप इसको एक बार हार्ड रीसेट कर लीजिए। और हार्ड रीसेट कैसे करना है वो देखिए, छोटा सा वीडियो रहेगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके पास कोई भी फोन आता है जियो का जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको एक बार फॉर्मेट करके जरूर देखिएगा, हो सकता हो सही हो जाए। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप उसको फ्लैश कर लीजिएगा। फ्लैश कैसे करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जियो के ऊपर, आप चैनल पे जाके देखो। तो दोस्तों, F41T ये जो हमारे पास मॉडल है, इसको फॉर्मेट करने के लिए, हार्ड रीसेट करने के लिए क्या करना होगा हमको, ये जो बीच वाला बटन है इसका जिसपे माइक छपा हुआ है, ओके भी इसी से होता है, तो इसको हम प्रेस करके रखेंगे और पावर की को प्रेस करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे और जब ये जियो पे आ जाए तो पावर की इसका छोड़ देंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ये वार्निंग का सिंबल जो है ये आ रहा है। अभी हमको क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इसका पावर की है एक बार प्रेस करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं सारे। अब आपको क्या करना है कि नीचे करना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस पे लाके फिर आपको ये जो पावर की है रेड वाला, इसको एक बार प्रेस करना है, फिर एक बार नीचे करना है और फिर जो है पावर की से इसको ओके करना है। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेटिंग डेटा हो रहा है, देखिए बस ये हमारा दोस्तों फॉर्मेट हो गया। और फॉर्मेट होने के बाद ये जो हमारा फोन है ये प्रॉपर ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये जो F41T मॉडल है इसमें मैक्सिमम यही प्रॉब्लम आता है। अगर हम सेट को फॉर्मेट कर देते हैं बिना फ्लैशिंग किए तो भी ये ऑन हो जाता है। बाकी F220 और F320 में फ्लैशिंग करना पड़ता है, बट इसमें बिना फ्लैशिंग के भी ये ऑन हो जाता है। तो जिन भाइयों के पास ऐसा प्रॉब्लम कभी आता है, ऐसा मॉडल आता है या फिर जियो का कोई भी मॉडल आता है, जिनको लगता है कि नहीं इसको फ्लैश ही करना पड़ेगा, तो वो एक बार इस मेथड को जरूर ट्राई करें। अगर वर्क करे तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं वीडियो को जो है ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस आप लास्ट तक इसको देख लीजिए, फाइनल ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए, ये हमारा आ गया, ऑन हो गया, मतलब ये जो ऊपर नोटिफिकेशन आया वो ऑन होता है तभी आता है, और ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सही हो चुका है। देखिए, ये हमारा फोन ऑन हो गया। अभी हम यहाँ से इसका लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। ये देखिए, फोन हमारा बिल्कुल ऑन हो गया। दोस्तों, F41T अगर आपके पास आता है तो मेथड को एक बार जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।